जैसे बायो का अगर बात करें तो बायो में तो मेरे सर बोलते थे कि हर लाइन से वो क्वेश्चंस बनाते, तो जैसे मैं एक पैराग्राफ पढ़ती थी फिर सोचती थी कि वो कहाँ कहाँ से छोटे छोटे वर्ड्स को वो लोग क्वेश्चन के फॉर्म में कर सकते हैं। तो बायो तो मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस की थी, तो बायो के लिए तो वही हर लाइन हर पैराग्राफ को बहुत ढंग से पढ़ती थी और सोचती थी कि इससे वो लोग क्वेश्चन बना सकते, इस टाइप में सोच के बायो बेसिकली पढ़ी। कि क्वेश्चन किससे फॉर्म हो सकता है हाँ ये सोच के आपने पढ़ा हाँ हर बार बैठ, ठीक है बहुत और बढ़िया। इससे मुझे लगा कि मुझे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हुआ। जब एग्ज़ाम दे रही थी मुझे लगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन तो सोची थी कि ऐसा हो सकता है और ऐसा आया, अच्छा ऐसा मुझे बायो में लगा था। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो प्रैक्टिस बहुत की, फिजिक्स के लिए कुछ कुछ रेफरेंस बुक भी की थी जैसे DC पांडे, HCV ये की थी, और NCERT तो की ही थी। बाकी जो केमिस्ट्री है तो उसमें मुझे ऑर्गेनिक में 11th में तो बहुत प्रॉब्लम आती थी, बहुत ढंग से वो लास्ट का टॉपिक होता है तो थोड़े फास्ट हो जाता है, हाँ तो उस टाइम पे MS चौहान की थी ऑर्गेनिक के लिए। बाकी ऑर्गेनिक के लिए तो NCERT भी, मतलब नेम रिएक्शन इन सब के लिए तो सही होता है, और इनऑर्गेनिक के लिए तो बहुत NCERT पे फोकस की। और बाकी फिजिकल तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ी, क्योंकि फिजिकल बेस मतलब कंसेप्ट तो NCERT के होते हैं पर वो लोग थोड़े और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है।